हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू लेट्स साइन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को, जिसको कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। देखिए, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है, मोनो फैक्टर थ्योरी बाय बिनेट, टू फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय ई.एल. थॉर्नडाइक, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। और आज का हमारा जो वीडियो है कम्प्लीटली बेस्ड है मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे पहले समझते हैं हार्वर्ड गार्डनर को। ये है कौन? ही इज एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो बात करी है वो फ्रेम्स ऑफ माइंड में की है। ठीक है, ये इनकी किताब है जिसमें इन्होंने बात की है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। और ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये काफ़ी प्रभावित थे किन से? जीन पियाजे, इरिक रिक्शन एंड जेरोम ब्रूनर से। ही शो इंटेलिजेंस इन डिफरेंट मैनर, इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट मैनर्स में देखा है। ठीक है, गार्डनर ने 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस की शुरुआत में बात करी थी। वो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक, सेकेंड है आपका इंटरपर्सनल, थर्ड म्यूजिकल, फोर्थ बॉडीली काइनेस्थेटिक, फिफ्थ लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर है इंट्रापर्सनल, फिर नेचुरलिस्टिक और स्पेशल। इसके बाद क्या हुआ, 2009 में एक और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में ऐड हुआ, वो था एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, तो टोटल 9 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस की गार्डनर ने बात की है और इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो वीडियो पूरा जरूर देख। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक एब्रिविएशन के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, डैट इज लिम्ब्स लाइन। वन सेकेंड, एल फॉर लिंग्विस्टिक, एल आई एम बी, लिम्ब, एल आई एन ई एंड एस, लिम्ब लाइंस। ठीक है, इसे अगर कभी आप भूल जाएं या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो इस टेक्निक से इसे याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक क्या है? एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, ऐसी एबिलिटी जिसका कि इस्तेमाल इफेक्टिवली किया जा सके किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। टिपिकली गुड एट रीडिंग, राइटिंग और टेलिंग स्टोरीज। इसमें कौन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी या कोई बुक्स को पढ़ना, लिखना या किसी को स्टोरी बोल के समझा के बताना, इसमें कौन कौन कंसीडर किए जा सकते हैं? राइटर्स, पोएट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, etc. आप स्क्रीनशॉट वगैरह चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, सेकंड क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या है? एबिलिटी टू इफेक्टिवली सॉल्व मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इफेक्टिवली आप लॉजिकल प्रॉब्लम्स या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आ सकते हैं। फिर है इंटरपर्सनल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटेंशन और नीड्स ऑफ अदर्स। देखिए, ये पिक्चर के थ्रू दूसरे से बातों को, मतलब इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। इसमें पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फिर है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बातें करना एक तरीके का कह सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ और अप्रिशिएट वंस फीलिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन है, फिलोसफर हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट आ गए। नेक्स्ट है म्यूजिकल, स्किल्ड इन परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न, जैसे म्यूजिकल पैटर्न को बनाना, उसमें स्किल्ड होना, जैसे म्यूजिशियंस हो जाते हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं,
ये सब कुछ क्या आ गए, म्यूजिकल्स में आ गए इनके। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल टू यूज होल बॉडी और पार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, पूरे बॉडी पार्ट्स का मतलब ऐसा पोटेंशियल कि पूरे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट देना, लाइक एक एक्टर ऐसा कर सकते हैं, एथलीट्स ऐसा करते हैं, डांसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब आया स्पेशल, इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्पेस। देखिए जैसे कि पायलट्स हैं या आर्किटेक्चर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स हैं, क्या करते हैं, पायलट का क्या रोल है, उनको पता रहता है कि कब लैंडिंग लेनी है, मतलब कुछ अपना दिमाग का यूज़ कर करके कि स्पेशल जजमेंट एंड एबिलिटी टू विजुअलाइज विथ माइंड आई, अपने दिमाग में सब कुछ एग्जामिन कर लेते हैं। अब है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक में क्या है, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ द नेचुरल सराउंडिंग्स, ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग्स जैसे गार्डन्स वगैरह में, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ, अपने आप को रिलेट कर पाए नेचुरल सराउंडिंग्स में, जैसे कि फार्मर्स कर पाते हैं, गार्डनर्स कर पाते हैं, या इन्वायरमेंटलिस्ट्स कर पाते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो लोग भी मतलब इसका अनुभव ले पाते हैं, ठीक है। फिर है एग्जिस्टेंशियल जो कि 2009 में ऐड हुआ था, इसमें क्या है, एबिलिटी टू कॉन्टेम्पलेट और क्वेश्चन बियॉन्ड सेंसरी डाटा, मतलब कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा क्वेश्चंस, एक डाटा रहने के बाद भी उसकी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आए, लाइक देखिए फिलोसफर्स का होता है या कॉस्मोलॉजिस्ट्स का होता है, यहाँ पे ये कैन थॉट्स ऑकर विदाउट लैंग्वेज, एक क्वेश्चन तो आता है कि कोई विचार आ सकता है बिना लैंग्वेज का, तो इस तरीके का चीज एग्जिस्टेंशियल में आता है। लास्ट में मैं ये गार्डनर का ही एक कोट को ऐड करना चाहती हूँ, इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, वट रियली काउंट इज हाउ यू आर स्मार्ट, ये नहीं मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किन किन वेज में खुद को स्मार्ट बना सकते हैं, या किन किन वेज में आप खुद को स्मार्ट कंसिडर कर पाते हैं, समझ पाते हैं अपनी चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।